अच्छा सुनिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टडी रिलेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह कब तक हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 से 56 ईस्वी तक। 1855 से 56 ईस्वी तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1793 ईस्वी को। 1793 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर पर पहुंचा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था? विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगम वंश। संगम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला हिल स्टेशन कौन था? पहला हिल स्टेशन कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1469 ईस्वी को। 1469 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में। वर्तमान दक्षिण उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।